ये डिब्बा का है का? ये डिब्बा है बटर स्कॉच आइसक्रीम का। अच्छा, बटर स्कॉच आप तो खाते ही नहीं, बटर स्कॉच है? खाएंगे बटर स्कॉच ना? है ना, हल्का खाक देखिए, ठंडा को मजा आएगा एकदम, नहीं है? ना। अच्छा, आप आइसक्रीम वगैरह क्यों नहीं खाते? नहीं, गर्मी और खा लेते बने। हाँ, नहीं खाना, जाड़े में इसलिए है, जाड़े में नहीं मजा आएगी, जाड़े में मजा नहीं आता। अच्छा, अभी ठंडक उंडक जैसे होने लग गई तो स्वेटर क्यों नहीं पहनते? स्वेटर कोई ठंड है ही नहीं इतनी, ज्यादा नहीं है ठंड। चाय पिएंगे? चाय इधर। हाँ, दो साल से ठंड कम लगती है मेरे को। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्यों ठंडक हो ही नहीं रही उतनी। हाँ, जैसे पहले होती थी। अब इस समय तो कुछ लगता ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे कि नॉर्मल है मौसम अक्टूबर वाला। मम्मी चाय बना लीजिएगा। एक वो है, क्या कहते हैं, एक फोन आया था। हाँ। से महाराष्ट्र से कोई डिस्ट्रिक्ट होगा कहीं से। तो एक लड़का कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा। तो वो अपनी डिटेल भेजा था, तो कह रहा था कि जो है हमारी कुंडली देख लीजिएगा। अच्छा, यूपीएससी के तो मेरे पास कंपटीशन वाले बच्चे बहुत आए। हाँ। और हमने सबकी जन्म कुंडलियाँ देखी और फिर उनके जिनके उपाय थे उपाय बता दिए उनको। तो सब अफसर हो गए, कोई आईएएस हो गया। हाँ, यूपीएससी में वो भैया तो जो है आईपीएस थे, नहीं हो गए, कोई आईपीएस हो गया, कोई पीसीएस हो गया, कोई मजिस्ट्रेट हो गया। जो बड़े बड़े अफसर आईएएस पीसीएस आईपीएस। अच्छा, यूपीएससी का क्रेज हमको लगता है इंडिया में हमेशा रहेगा ना? ये हमेशा रहेगा। दरअसल ये सरकार के बाद सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है भाई, शासन सरकार। चाय इसमें हमारी भी है क्या? ये वाली है। शासन सरकार और प्रशासन में ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी और पूरा चलाती है सब सारे जितने भी नियम कानून राजनेता या सरकारें बता तो देती हैं हमें ये चाहिए, लेकिन उसकी जितनी नियम कानून है वो तो सब यही लोग बनाते हैं। यही लोग बनाते हैं। ये तो है, मुख्य सचिव से लेकर के। अच्छा, आप इतनी उम्र में ये जिस पोस्चर में बैठ लेते हैं, इस पोस्चर में इतनी उम्र में मोटे लोग नहीं बैठ पाते? नहीं, मोटे तो बैठ ही नहीं पाएंगे। ये इसको ये योग की विद्या में क्या कौन सा इसको कुछ मंडूक आसन ऐसे कुछ बोलते ना? नहीं, वो तो ये है, ये अर्ध मंडूक में से कुछ है। मतलब इस पोस्चर में इंडिया में ज्यादातर जो ग्रामीण लोग होते हैं वो बैठते हैं ना इसी पोस्चर में। और इस ये पोस्चर डाइजेशन के लिए बहुत ही तगड़ा पोस्चर है ना। ये इस तरह से जो लोग बैठते हैं, जहाँ कहीं भी बैठते हैं, तो इनका पूरी शरीर का भार जो है वो बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है, है ना। खड़े होने पर सारा भार पैरों पे आ जाता है, रहता है ना। लेटे होने पर पूरा भार बॉडी पे रहता है, इसमें पूरा बैलेंस रहता है भार। तो हमको ये अच्छा लगता है। नहीं, ये पोस्चर जो है वो योगिक साइंस के हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा पोस्चर है। इससे जैसे डाइजेशन है वो ठीक रहता है, है ना। और एक चीज हमने और महसूस की है कि विचार शक्ति इससे तेज होती। हाँ। जब ऐसे कोई बैठेगा तो कंसंट्रेशन जल्दी बनता है और देर तक रहता है। बाकी झुक करके बैठना है ना। अच्छा, झुक कर बैठने की मेरी आदत नहीं, चूंकि हम ध्यान करते हैं तो हमारी रीढ़ तो हमेशा सीधी रहती है। हम बैठे या लेटे जैसे भी हों, रीढ़ हमेशा, हम चलते भी हैं तो रीढ़ हमारी एकदम सीधी रहती है। हाँ। जबकि उम्र बढ़ने पे रीढ़ थोड़ी झुक जाती थोड़ी ना आगे। हाँ। लेकिन मेरी नहीं झुकती, मेरी एकदम सीधी रहती है। ध्यान का फायदा शरीर पे होता है ना? बहुत फायदा होता है शरीर पे, माइंड पे। तो शरीर में कहते हैं कि बुढ़ापे तक अगर शरीर की रीढ़ एकदम सीधी रहे तो इंसान को रोग
नहीं, बहुत कम होंगे, एक तो होंगे ही नहीं और होंगे तो बहुत कम होंगे। रीढ़ तो हमको लग रहा है, और दूसरी चीज है खाने का, अगर बैलेंस डाइट है, जैसे हम एक टाइम खाना खाते हैं 35 साल से, तो अगर मैं एक टाइम 35 साल से खाना खा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे जितने आर्गन हैं है नहीं, वो डबल काम करेंगे। भाई दो टाइम खाने वाला, तीन टाइम खाने वाला, उसकी तुलना में मेरे आर्गन डबल समय तक काम करेंगे। तो इसीलिए इसका बहुत फर्क पड़ता है, वो स्वस्थ भी रहेंगे। तो एक वक्त, ये मेरा अपना तजुर्बा है 35 साल का, मेरा ये मानना है कि यदि कोई इंसान ये नियम बना ले कि मैं एक समय भोजन करूँगा सवेरे या रात में, जैसा भी हो है नहीं, लेकिन नियम वही होना चाहिए, ये नहीं कि कभी सवेरे कर लिया कभी रात में कर लिया। तो एक समय पर अगर नियमित समय पे वो भोजन करेगा, तो अगर उसकी आयु 70 साल है तो उसकी आयु में 25-30 साल की वृद्धि हो जाएगी निश्चित रूप से, वो 100 साल आयु पा जाएगा। तो अगर दीर्घायु जीना है तो जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं भारत की, आयुर्वेद की है नहीं, तो उसमें ये बताया गया है कि कम आहार करना दीर्घायु के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब ये है कि खाने पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका कि मेडिटेशन करें है नहीं, योग प्राणायाम ध्यान जो लोग करते हैं वो वैसे भी आहार उनका कम हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा कम खाते हैं, वो एक ही समय भोजन करते ज्यादातर। मतलब वो भूख नहीं मारते हैं अपनी, भूख नहीं मारते, वो बॉडी को संतुलित कर लेते हैं, जितना इसको जरूरत है उतना भोजन इसको मिलता रहता है। और वो फिर लंबे समय तक कार्य भी कर पाते हैं, जैसे उनको 12 घंटे काम करना है तो मुझको करना हो कर लूँगा, ऐसे सब लोग कर लेंगे जो भी एक समय आहार करते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है। अब आजकल की जनरेशन को देखो, अगर 3 घंटे कहीं कंप्यूटर पर बैठ गए तो पता चला थक गए है हाँ। ना, या फाइलों में अगर 1-2 घंटे लग गया समय निपटाने में तो थक गए। मेरे को थकान नहीं आती, नहीं। तो ऐसे जो लोग अपने नियम संयम में रहते हैं उनको थकान नहीं आती, रोग कम होते हैं, ये तो होते ही नहीं, होते भी हैं तो बहुत थोड़े होते हैं, और बढ़िया स्वस्थ रहते हैं, सुखी जीवन बीते हैं, और हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, कभी नकारात्मक नहीं सोचते। भला सोचता हूँ कि मुझसे जितना हो सके लोगों का कल्याण हो, मेरे पास जो भी है ज्ञान है तो ज्ञान से, ज्योतिष है तो ज्योतिष से, मेडिटेशन है मेडिटेशन की क्रियाएं मैं सिखाता हूँ बताता हूँ लोगों को,